क्या आप जानते हैं कि अभी हाल ही में आलिया की अपकमिंग मूवी जिगरा का अनाउंसमेंट प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन अब उसको लेकर एक काफी बड़ा अपडेट भी सामने आया है। या क्या आप जानते हैं कि सनी देओल के बेटे भी अब दोनों नाम की फिल्म से बॉलीवुड में कदम रख चुके हैं और उनकी ये फिल्म 5 अक्टूबर को रिलीज भी हो चुकी है। साथ ही क्या आपको ये पता है कि जवान की आंधी अब थम गई है या फिर अभी भी जारी है? अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम बॉलीवुड बुलेटिन हमारे शो के जरिए आपको बताने जा रहे हैं आज की 5 बॉलीवुड की बड़ी खबरें। सो लेट्स बिगिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। आज की टॉप 5 बॉलीवुड की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। रेंगने को मजबूर हुई शाहरुख खान की जवान। शाहरुख खान की जवान बॉक्स ऑफिस पर अब 1 महीने का सफर पूरा करने वाली है। रिलीज के साथ ही फिल्म ने धमाकेदार एंट्री की थी। शुरुआती बिजनेस भी शानदार रहा। इसके साथ ही फिल्म ने चंद दिनों में कई रिकॉर्ड भी तोड़ डाले थे। हालांकि अब जवान का मिजाज बदल गया है। मुकाबले में कोई बड़ी फिल्म नहीं है, फिर भी जवान का बिजनेस जो कि है ठंडा पड़ने लगा है। कलेक्शन भी तेजी से गिरता जा रहा है और हो सकता है कि फिल्म कुछ दिनों में करोड़ से लाख में कमाई करने लग जाए। फिल्म ने रिलीज डेट के 28वें दिन महज 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। रिलीज हुई सनी देओल के बेटे राजवीर देओल की डेब्यू फिल्म। पारिवारिक फिल्म में राजश्री प्रोडक्शन की पहचान रही है। मैंने प्यार किया, हम आपके है कौन, हम साथ साथ हैं जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश एस बड़जात्या ने फिल्म दोनों से निर्देशन के जगत में कदम रखा है। अवनीश ने ही फिल्म की कहानी लिखी है। उन्होंने भी राजश्री की परंपरा का निर्वहन करते हुए पारिवारिक फिल्म दोनों बनाई है। यहाँ पर भी पिता की पिछली कुछ फिल्मों की तरह शादी का माहौल है, पर ये पारंपरिक प्रेम कहानी नहीं है। ये एक तरफा प्यार में पड़े लड़के की कहानी है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस नहीं रखता। आलिया भट्ट ने शुरू की जिगरा की शूटिंग। हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें आलिया भट्ट का नाम जरूर शामिल होगा। अपनी शानदार अदाकारी के दम पर आलिया भट्ट किसी भी फिल्म को हिट करने का दम रखती हैं। हाल ही में आलिया की अपकमिंग मूवी जिगरा का अनाउंसमेंट प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद फैंस की उत्सुकता काफी बढ़ गई है। इस बीच अब आलिया ने इस मूवी की शूटिंग भी शुरू कर दी है। बॉक्स ऑफिस पर द वैक्सीन वॉर की हालत खराब। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर रिलीज के दिन से स्ट्रगल कर रही है। फिल्म ने अब बॉक्स ऑफिस पर 7 दिन पूरे कर लिए हैं, लेकिन 10 करोड़ भी नहीं कमा पाई है फिल्म। विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीन वॉर COVID-19 महामारी के दौरान भारत की अपनी वैक्सीन बनाने की कहानी दिखाती है। फिल्म में ICMR और NIV के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का वैक्सीन के लिए संघर्ष दिखाया गया है, लेकिन फिल्म की शायद ये कहानी दर्शकों को पसंद नहीं आ पा रही है। चंद्रमुखी 2 ने 1 हफ्ते में किया करोड़ों का बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों कई फिल्म मुकाबला कर रही हैं। बीते गुरुवार एक साथ 3 फिल्में रिलीज हुई। इनमें कंगना रनौत की चंद्रमुखी 2, विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीन वॉर और साथ ही फोकरे 3 शामिल है। लेकिन ऐसे में हालात में भी कंगना रनौत की चंद्रमुखी 2 इनके बीच में हिचकोले खा रही है। फिल्म ने अपनी रिलीज के 7वें दिन 1.90 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं अब अगर हम फिल्म के ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 32.95 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। खैर, ये थी आज की टॉप 5 बॉलीवुड की खबरें। आप भी इन पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही इस बात को याद रखिएगा कि हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं हमारा शो बॉलीवुड बुलेटिन ठीक 3 बजे, तो आप इसे देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और साथ ही न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को और NN बॉलीवुड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट खबरें और सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।